लोगों ने जिस बादशाह को सराखों पर बैठा कर रखा, उन्हें क्या पता था कि वही बादशाह उन्हें तबाह करने की तैयारी कर रहा है। वो नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अबू बेकसूर थे और तुमने उन्हें फंसाया है। लेकिन सच सदा दिन छुपता नहीं। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा मुच्छर। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जानते थे कि तुम समझदार हो, इतने समझदार, इतने सालों से हमें कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन तुमने हमें पहचान लिया। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं, हम ही मुच्छड़ जिसने मासूमों पर जुल्म किया, उन्हें डराया, धमकाया वगैरह वगैरह। अभी तुमने जो कुछ भी कहा, मैं वही हूँ। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं। हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया। तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। उमर तो भाग गया, लेकिन तुम पकड़ में आ गए। अब उसके हिस्से की सजा और नफरत भी तुम्हें मिलेगी। देखना हम तुम्हें कैसी मौत देते हैं। बेहतरीन गुठी के जिन, बेहतरीन, बड़े अरसे बाद तुमने हमारा दिल खुश किया है, इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। वो हमारे हाथों का ऐसा खूनी खिलौना है जो पूरे बगदाद पर कहर ढाएगा। मासूमों पर जुल्म करेगा और तुम्हारी अम्मी पर भी। वही चिराग के जिनका आखिरी इम्तिहान होगा, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए काली ताकतों का गुलाम बन जाएगा। Ha 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 ha
कसम सोने की अशर्फियों की, नाजनीन को यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने पैरों पर घर जा रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि हमने इतने बरसों तक काले चोर को अपने घर में पनाह दी, बादशाह सलामत ने हमें जिंदा छोड़ दिया। आए, 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 आए। बेगम, इधर कुआं है उधर खाई है, एक तरफ बादशाह सलामत है एक तरफ अलादीन है। जब अलादीन को पता चलेगा कि हमने बादशाह सलामत को उसकी सच्चाई बता दी है तो वो हमें जीने नहीं देगा बेगम। अगर अलादीन ने बादशाह सलामत को बता दिया तुम्हारे लालच ने उसे काला चोर बनने पे मजबूर किया है तो हम क्या करेंगे बेगम? देखो, डर की वजह से मेरे पांव थर थर कांप रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बेगम मुझे बचा दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सोने की यशस्वियों की, अगली मर्तबा अपनी सीली जैसी हड्डियां मुझे चुभाई तो ऐसा चांटा लगाऊंगी सुबह तक यही घूमते नजर आओगे। देखो मियाँ, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। भूल जाओ क्या? पुरानी बातें भूल जाओ? भूल जाओ कि तुम मेरी बीवी हो? बेगम, मैंने तुम्हारी हमेशा हर बात मानी है, आज भी मानूंगा। मेरी अम्मी कहा करती थी, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। मेरे अच्छे दिन आ गए, मैं आजाद हो गया, मैं चला। ज्यादा जल्दी है जाने की, पहुँचाऊँ तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास? नहीं, पिछली वो सारी बातें भूल जाओ जो हमने अलादीन के साथ की है। अभी सिर्फ तीन चीजें याद रखो। एक, अलादीन काला चोर है। अलादीन काला चोर है। दूसरी बात, वो उस भगोड़े गद्दार उमर का बेटा है। भगोड़े गद्दार उमर का बेटा है। और तीसरी बात कि हमने मौत के डर से उस काले चोर को अपने घर में पना दी। समझे? हाँ बेगम, मैं समझ गया। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, ये रात कुछ ज्यादा ही काली हो गई है। जिस शख्स के साथ हमने इतना वक्त बिताया, जिसके साथ हमने इतने खतरों का सामना किया, उससे पहचानने में हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उसने कहा कि हमारे अबू मुच्छन, या फिर हो सकता है कि उसे किसी ने बहकाया हो। पर जहराल का हमला महज एक वहम था, तो हो सकता है कि काले चोर को भी कोई वहम हो गया हो। हो सकता है वो सिर्फ वही देख पा रहा हो जो दुश्मन उसे दिखाना चाह रहा हो। हाँ, ये मुमकिन है। तभी तो उसे लगा कि हमारे अबू मुच्छड़ है। पर काले चोर के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? या अल्लाह, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, हम अब्बू को इस कदर परेशान देख सकते हैं, ना ही काले चोर को अकेला छोड़ सकते हैं। हमें उन दोनों से माफी मांगनी होगी और सच का पता लगाना होगा, पर कैसे? भाग ले मुझे, कि एक बार तू मेरे हाथ आ गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सारा खेल इसी कमरे से शुरू हुआ था ना, आज इसी कमरे में खत्म होगा। बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसा
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। तूने उमर को मुझसे दूर कर दिया, मिलवाया और फिर दूर कर दी। अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। और चीनू, मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। और अलादीन कब घर आएगा, मैं ये भी नहीं जानती। अब मैं और इम्तिहान नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब मेरे लिए तुझे इन तीनों की हिफाजत करनी होगी। इन तीनों पर जल्द से जल्द घर वापस लाना हो। जीनो नहीं, चिराग का जिन। तुम इस कमरे में बहुत वक्त से अंदर आना चाहते थे ना, और यहां के राज जानना चाहते थे। आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। और फिर तुम हमारे मेहमान हो, सबसे पहले तुम्हारी खातिरदारी तो जरूर होगी। वजीर आला, यहाँ लाए जख्म कैसे? इस वक्त आपके कमरे में आने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। क्या हुआ, हमें जल्दी बताइए। अबू ठीक है? नहीं, बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और न जाने बातचीत में अलादीन बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। वो अपना आपा खो बैठा और अच्छा सलामत पे इल्जाम तक लगा दिया कि वो खुद ही मुच्छड़। और फिर उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमें भी पीट कर चला गया। अब बस आप ही हैं जो उसे समझा सकती हैं, पागल सा हो गया है वो। चलिए, आखिर आज तुम्हें पता चल ही गया कि मुझ और कोई नहीं, खुद बादशाह सलामत है। मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है कि जिस बादशाह के सामने ये अपने अब्बा की बेगुनाही साबित करना चाहता था, वो खुद ही मुच्छल निकला। अब आज इसे ये पता चला किसके यहाँ का नमक खाया, उसी ने इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। ये बातें मेरा चिनू नहीं, मुच्छल का गुलाम चिराग का जिन कर रहा है। तुम्हारा चिनू? एक काम करो, तुम आज मुझे अपना अब्बा दादा ना भाई भाई जो कहना है कह लो। आज मैं तुम्हें नहीं टोकूंगा, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर देनी चाहिए। एक बात कान खोल के सोच, आज मैं मेरे आका और ये अंगूठी का जिन तुझे तड़पा तड़पा के खत्म कर देंगे। तुम गुलाम हो,
अगर वाकई में तुम मेरे भाई होते ना, तो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़कर मेरे पास वापस आ जाते, ऐसे हार नहीं मानते। क्या देख रहा है? बेवकूफ इंसान, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन शायद ये भूल गए कि जादू की ताकत सबसे बड़ी होती है। हार मान लो लड़के, क्यों नहीं मान लेते कि मुझसे, मेरे आका से और इस अंगूठी के जिन से नहीं जीत सकते। अरे तुम किसी और को क्या, खुद को नहीं बचा सकते? मेरे आका का राज राज ही रह जाएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि मुच्छर और बादशाह सलामत दोनों एक ही है। वैसे क्या मेरे आका ने तुम्हें बताया कि वो तुम्हारी अम्मी के साथ क्या करने वाले हैं? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मैं उस औरत को जादू से नहीं, खुद अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगा। बस इंतजार है तो सिर्फ तेरे आका के। खुदा भी हमारी अम्मी को हमसे छीन नहीं सकता, या अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ मैं खुदा से भी लड़ जाऊंगा। जरा सी चोट भी लग जाती थी तो तुम रो पड़ते थे, और आज तुम अम्मी की जान लेने की बात कर रहे हो। Thank you.